सात स्तुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ, जहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से पांडव सुरंग के माध्यम से बच जाते हैं भीषण आग से। जी हाँ, षड्यंत्र रचा जाता है शत्रु दुर्योधन के द्वारा, वहीं पांडव बच जाते हैं इस भीषण आग से। तो वही बताते हैं कि आगे क्या हुआ, जहाँ पर वेश बदल कर पांडव रहते हैं। चलिए बताते हैं आगे क्या क्या हुआ अपने इस खास रिपोर्ट में। तो राजीव जन हमारे रिपोर्ट। द्रोणाचार्य से भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि पांचों पांडव अपनी माता के समीप उस मकान में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। आचार्य, आप तो अपने शिष्यों को जानते हैं, अर्जुन और भीम क्या एक ऐसे जलते हुए मकान के अंदर जलकर मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं? मैं यह मानने को तैयार नहीं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, परंतु वो जो 6 कंकाल मिले हैं, उस प्रमाण को हम कैसे झुठला सकते हैं? भीष्म कहते हैं, यही एक प्रमाण है जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता। एक बार मेरे भ्रात पूज्य वेद व्यास जी ने मुझसे कहा था, केंद्र पुत्र अर्जुन सारे संसार को विजयी करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाएगा। ज्योतिष विद्या के अनुसार अर्जुन की जन्म कुंडली भी यही कहती है। आचार्य, तो आचार्य वेद व्यास का वचन कैसे झूठा हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र कैसे झूठा हो सकता है? इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं कि कभी कभी गणित में भी भूल हो सकती है। दोनों में देर तक इस पर चर्चा होती है और बाद में भीष्म कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें भोजन में विष देकर पहले मार डाला गया हो और उसके बाद उस मकान को आग लगा कर जला दिया गया हो। द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ ये सत्य हो सकता है। तब भीष्म कहते हैं, कितना भयंकर षड्यंत्र रचा गया होगा, कितना भयंकर षड्यंत्र। परंतु विस्मय की बात तो यह है कि विदुर के गुप्तचर विभाग को भी इसका पता नहीं चला। यह सुनकर द्रोणाचार्य कहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम यह होगा कि अब दुर्योधन को युवराज बनाया जाएगा। तब भीष्म कहते हैं, हाँ और अब हमें उसे स्वीकार करना होगा। उधर दुर्योधन और शकुनी इस घटना पर जमकर खुशी मनाते हैं। बाद में भीष्म पितामह विदुर से कहते हैं कि मैं तुमसे एक ही सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ विदुर, कि क्या सचमुच वारणावत में आग लगने से पांडवों की मृत्यु हो गई है, या क्या वारणावत के उस मकान में आग स्वयं अपने आप लग गई थी? विदुर इस प्रश्न पर चुप रह जाते हैं। तो भीष्म कहते हैं, देखो यदि सत्य जानते हो तो साफ साफ बताओ, और सत्य नहीं जानते हो तो अपने अनुमान से बताओ, बस इतनी सी बात का उत्तर दो। इस पर विदुर कहता है कि तातश्री, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस मकान में आग अपने आप नहीं लगी। भीष्म कहते हैं, अर्थात आग लगाई गई? विदुर कहते हैं, जी। भीष्म कहते हैं, अब दूसरा प्रश्न, जिस समय आग लगाई गई उस समय पांडव अंदर थे? तब विदुर कहते हैं, जी। और वे जीवित थे या उन्हें मार कर वहाँ फेंक दिया गया था? विदुर कहते हैं, जीवित थे और अंदर थे। जीवित थे तो होश में थे या बेहोश थे? विदुर कहते हैं, होश में थे। इस पर भीष्म कहते हैं, नहीं ये झूठ है। विदुर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। उसकी एक ही मुष्ठी के प्रहार से उस मकान की दीवारें टूट सकती थी, फिर वह उन दीवारों को तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल आए? क्या वे दीवारें लोहे की बनी हुई थी? यह सुनकर विदुर कहता है, जी नहीं तातश्री, वह दीवारें लोहे की नहीं, वह दीवारें लाख की बनी हुई थी, इसलिए उसमें आग लगते ही क्षण भर में सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। भीष्म कहते हैं, अर्थात एक लक्षागृह बनाकर उनकी हत्या की गई। यह सुनकर विदुर कहते हैं, जी नहीं, हत्या नहीं की गई, केवल हत्या का प्रयास किया गया। यह सुनकर भीष्म कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? तब विदुर कहते हैं कि शत्रु ने हत्या करने की पूरी कोशिश की, परंतु हमें ठीक समय पर पता चल गया, इसलिए उनकी योजना सफल ना हो सकी, वे सभी जिंदा और सुरक्षित है तातश्री। यह सुनकर भीष्म अति प्रसन्न हो जाते हैं
और विदुर से कहते हैं कि इस कार्य से मैं अति प्रसन्न हूँ। यह सुनकर भीष्म अति प्रसन्न हो जाते हैं और विदुर से कहते हैं कि इस कार्य से मैं अति प्रसन्न हूँ। विदुर, इसके लिए तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। यह सुनकर विदुर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके वचनों में शक्ति है, इसलिए ये वर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति सदैव स्थिर बनी रहे। यह सुनकर भीष्म कहते हैं, वाह विदुर, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु के चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु के चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे। यह सुनकर भीष्म कहते हैं, वाह विदुर, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु के चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे। और उन्होंने ये भी कहा, जी हाँ, भीष्म ने ये भी कहा कि उनकी भक्ति का कोई पल यदि है तो वह भी तुम्हें प्रदान करें। यह घटना श्री कृष्ण अपनी माया से देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण को देखकर बलराम जी कहते हैं, कन्हैया कहाँ खो गए थे? तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बात है? तब बलराम जी कहते हैं कि उस दिन तुमने बताया था कि पांचों पांडव जीवित हैं, परंतु यह नहीं बताया कि वे कहाँ हैं। श्री कृष्ण को देखकर बलराम जी कहते हैं, कन्हैया कहाँ खो गए थे? तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बात है? तब बलराम जी कहते हैं कि उस दिन तुमने बताया था कि पांचों पांडव जीवित हैं, परंतु यह नहीं बताया कि वे हैं कहाँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। तब बलराम जी कहते हैं, परंतु वे किस अवस्था में हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अवस्था देखो ना भैया, भाग्य की कैसी विडंबना है कि जिन्हें एक दिन इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, गांव गांव भिक्षा मांग रहे हैं। वे इस समय हस्तिनापुर की सीमा पार करके पांचाल की धरती पर ब्राह्मणों के एक नगर में पहुंच गए हैं। उधर युधिष्ठिर को भिक्षा मांगते हुए बताया जाता है, नकुल और सहदेव आकर कहते हैं, बड़े भैया बड़े भैया, आज हमें भिक्षा में खीर मिली है, खाने में बड़ा आनंद आएगा। तब सहदेव कहता है, खीर मुझे खाने को नहीं मिलेगी। तब युधिष्ठिर पूछते हैं, क्यों? इस पर नकुल कहते हैं, क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना, खीर उन्हें अति प्रिय है। यह सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़ी सी खीर ले लूंगा, ठीक है? अब चले। पांचों पांडव भिक्षा लेकर एक कुटिया के पास पहुँच कर कहते हैं, माँ हम भिक्षा ले आए हैं। कुटिया के भीतर बैठी माता कुंती यह सुनकर कहती है कि पांचों बांट कर खा लो। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, पर बांटना तो आपको ही पड़ेगा ना। यह सुनकर कुंती कहती है, अच्छी बात है, तुम लोग स्नान कर लो, मैं आती हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं, अच्छा माता श्री। फिर माता कुंती सभी को बांट कर भोजन खिलाती है। कुंती कहती है, इस लड्डू को ना देखो अर्जुन, इस लड्डू को मैं नकुल और सहदेव को दूंगी। तब अर्जुन कहते हैं, और भीम भैया को पूरा लड्डू दे दिया। तब कुंती कहती है, हाँ, जो भी भोजन होता है उसके आधे हिस्से पर भीम का ही अधिकार होता है। यह सुनकर भीम कहता है, हाँ, मेरे हिस्से पर नजर मत डालो, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। यह सुनकर सहदेव कहता है कि अर्जुन भैया, आप मेरे हिस्से का लड्डू ले लो। तब अर्जुन कहता है कि रहने दो बचुआ, हम छोटे भाइयों का हिस्सा नहीं लेते। यह सुनकर भीम कहता है, और बड़े भाइयों से कुछ मिलने वाला नहीं। तब अर्जुन कहता है कि बस यही कष्ट है मंझले होने का, छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आगे हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में, बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट सौरनिजा.com से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम इस वीडियो। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।